नमस्कार दोस्तों, बजाज कार्ड से आप किसी भी स्मार्टफोन को ईएमआई पर कैसे ले सकते हो, आज किस वीडियो में इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे फुल लाइव प्रूफ के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। देखिए, अगर आपके पास बजाज का कार्ड है तो आप ले सकते हो नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब ईएमआई लेने पर आपको बजाज कार्ड से कोई भी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर मैं स्मार्टफोन को सिलेक्ट करने वाला हूँ जो कि है रेडमी K50i 5G स्मार्टफोन। इस फोन को सिलेक्ट करने के पीछे रीजन यही है कि कुछ ऐसे डिस्काउंट होते हैं जो कि आपको बजाज कार्ड से लेने पे भी मिल जाता है, इसी को हम दिखाने वाले हैं पूरे लाइव प्रूफ में। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे, यहाँ पर रेडमी K50i 5G स्मार्टफोन खुला हुआ है और इसका जो प्राइसिंग है वो है 25,000 और ये फोन आपको इसी प्राइसिंग पर मिलेगा ईएमआई लेने पे भी। लेकिन कुछ ऐसे डिस्काउंट होते हैं जिसको आप ईएमआई पे भी अप्लीकेबल कर पाओगे, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख पाओगे जो Redmi K50i 5G स्मार्टफोन है, इस पर आपको मिलता है 1000 का अमेजन कूपन, जो कि नीचे में आप यहां पर देख पाओगे। वैसे ये फोन डिस्काउंट करने के बाद मिलता है अंडर 20K में, लेकिन जो डिस्काउंट होता है वो होता है बैंक ऑफर के साथ आपको EMI लेने पर, यानी बजाज कार्ड से कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। बस यहाँ पर जो अमेजन कूपन का डिस्काउंट होता है वो आपको मिल जाएगा बजाज कार्ड से लेने पे भी, अन्य जो डिस्काउंट होता है वो आपको नहीं मिलेगा किसी भी कंडीशन में। तो बजाज कार्ड से लेने पर सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, आपको बस मिलेगा अमेजन कूपन, उसके बाद प्रीपेड ऑफर मिल सकता है, अदर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। जबकि अदर बैंक से अगर आप लीजिएगा तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलता है। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हो अमेजन कूपन है, इसको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपको करना है बाय नाउ। करने के बाद आप यहां पर देख पाओगे कुछ इस तरीके से आ चुका है बजाज कार्ड का ऑप्शन, आप यहां पर देख पाओगे। और हम टेन्यूर की बात करें, यहां पर टेन्यूर है 3 मंथ और 6 मंथ का। 3 मंथ में आपको लगने वाला है 8,000 पर मंथ के हिसाब से और 6 मंथ में लगने वाला है 4,000 पर मंथ के हिसाब से, आप यहाँ पर देख पाओगे। और दोनों मेंशन किया गया नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगने वाला है। 200 रुपए के आसपास आपको लगेगा प्रोसेसिंग फी, बाकी आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जान लिया कि बजाज कार्ड से आप किसी भी स्मार्टफोन को ईएमआई पर कैसे ले सकते हो। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो कि आपको देने को मिलता है बजाज कार्ड से लेने पर। देखिए, मैंने जो आपको यहाँ पर प्रोसेस दिखाया है इसमें आपने यहाँ पे ये देखा कि अमेजन कूपन अप्लाई हो रहा था, उसके बाद कुछ प्रीपेड ऑफर भी लग जाता है बजाज कार्ड से लेने पर। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, यानी बॉक्स प्राइसिंग पर ही आपको मिलेगा बजाज कार्ड से ईएमआई, मतलब जो बॉक्स में प्राइसिंग मेंशन है उसी हिसाब से आपका बनने वाला है ईएमआई, जिसे आपको 3 या फिर 6 मंथ में पेमेंट करना होगा। जबकि अदर बैंक से आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन अदर बैंक आपको चार्ज भी करती है। अगर हम अदर बैंक की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे Redmi K50i 5G स्मार्टफोन है, इसका प्राइसिंग है 25,000 और ये फोन डिस्काउंट करने के बाद मिलता है 20K में और अदर बैंक से आप EMI पे भी ले सकते हो 20K में ही। अगर हम बात करें कि बजाज कार्ड से EMI कैसे भरना होता है, तो EMI भरने के लिए आपको मैसेज आएगा, आपने जो भी नंबर बजाज कार्ड में दे रखा है उसी पर आपको मैसेज आएगा। हालांकि ऑर्डर करते वक्त भी आपको एक मैसेज आता है, उसी में सारा चीज लिखा होता है कि किस तरीके से और कब पेमेंट करना है। हालांकि मेरा जो EMI होता है वो मुझे 2 तारीख को पेमेंट करना होता है, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर कोई भी EMI बाउंस नहीं होना चाहिए, मतलब मैसेज में जो भी डेट दिया जाएगा उस डेट से पहले आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। बाकी बजाज कार्ड से लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन कुछ ही ऐसे प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया। वैसे Redmi K50i 5G स्मार्टफोन को आप अदर साइट से भी ले सकते हो बजाज कार्ड से EMI पर, मतलब MI स्टोर के एप्लीकेशन से भी इस फोन को ले सकते हो बजाज कार्ड से। देखिए, बजाज कार्ड से स्मार्टफोन को बाय करना काफी सही है, लेकिन यहाँ पर ढेरों सारा प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको जो डिस्काउंट अच्छे लेवल का नहीं मिलता है, बॉक्स पे जो प्राइस होता है उसी प्राइसिंग के हिसाब से आपको देना होता है। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन बाय करना है तो बाय कर सकते हो और अदर स्मार्टफोन को ही बाय कर सकते हो कुछ इसी तरीके से। मैंने यहाँ पे जो भी टिप्स बताया वो हर एक स्मार्टफोन पर अप्लीकेबल होता है, बिकॉज EMI लेने का यही प्रोसेस है। तो बस आज के इस वीडियो में ही बताने वाला था, इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।